फरीदाबाद में चल रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को साफ करने के बाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी का दौरा करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने रेड़ी फड़ी लगाने वालों को सख्त हिदायत दी कि व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारें, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दरअसल बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में पूरी तरह से अव्यवस्था है। सब्जी की रेड़ी लगाने वाले लोग पूरी तरह से अतिक्रमण कर रखते हैं, जिसके चलते जहां सब्जी मंडी में कचरा इकट्ठा हो जाता है और कोरोना के लिए भी ये बेहद खतरनाक है। इसी को देखते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि ये जाम और गंदगी के आलम को खत्म करना होगा, अन्यथा नगर निगम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जी, जो गेट के ऊपर है, जो अव्यवस्था है, पूरे रेडी फड़ी वालों ने पूरा इनक्रोच किया हुआ है। मार्केट के अंदर भी बहुत सारी अव्यवस्था है, गंदगी है, उसके विषय में आज ये दौरा है। इसके लिए आज दिन में भी मीटिंग बुलाई गई थी। 11 बजे मेरे ऑफिस में मीटिंग थी, जिसमें मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी और जो आरती एसोसिएशन के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ के इलाके के पार्षद और भी सज्जन उपस्थित हुए थे जो इस एरिया के, उनको भी यही बताया गया इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके लिए मंथन किया गया और इनका सहयोग की अपेक्षा है इन लोगों से, जितने भी हैं मार्केट के हैं, आड़ती हैं और जितने ये रेडी फड़ी वाले हैं, कि इसकी व्यवस्था बनाएं जिससे इस गंदगी पे, इस तकलीफ पे, इस जाम से, समस्या से निजात पाई जा सके। वेंडिंग जोन के लिए जो कार्रवाई है वो जारी है। 15 से 20 दिन के अंदर संभावना है कि इन्हें, जितनों ने भी अप्लाई किया उसके अंदर सबके लिए वार्ड वाइज 2 से 3 वेंडिंग जोन की व्यवस्था की गई है। उसके अंदर जो लेवलिंग का काम है और जो दूसरी सुविधाएं देने की हैं, पार्किंग की, पानी की, जो सुविधा, बिजली की सुविधा देने का काम है वो जारी है। उसके अंदर करीब 20-25 दिन के अंदर संभावना है कि भाई ये काम खत्म हो जाएगा, फिर इन सभी रेडी फड़ी वालों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर के इस तल्ख रवैये से मंडी के लोग काफी नाराज नजर आए। उन्होंने बताया कि इन रेड़ी फड़ी वालों के लिए ना तो कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और नगर निगम इन पर कार्रवाई की बात कह रहा है। ये तो सीधा तौर पर रेड़ी फड़ी वालों के पेट पर लात मारने की बात है। या तो सरकार इनके लिए कोई व्यवस्था करे ताकि इनका रोजगार चलता रहे। मंडी का दौरा रेहड़ी पटरी वाले जो खड़े हैं यहाँ पे, इनको हटाने के लिए किया था जी, क्योंकि ये गरीब हटा सकते हैं, गरीबी तो हटाना इनके बस की नहीं जी। गरीबों को हटा सकते हैं जो कि बेरोजगारी फैली रही है पहले से ही, काम धंधे लोगों के पास है नहीं, लाखों आदमी सरकार ने बेरोजगार कर दिया, जो लोग इनकी सरकारें बनाते आज उन्हें ये हटा रहे हैं, क्योंकि हम और आपका, आप जैसे लोग तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ना तो हम वोट उनके कहने से देंगे ना हम करेंगे। यही गरीब है जो बेचारे सरकार बनाते हैं, आज इनको हटा रहे हैं, इनकी सफाई करवा रहे हैं यहाँ। प्रधान जी, कोरोना वैश्विक महामारी लगातार बढ़ रही है, डेली आंकड़े सामने आ रहे हैं, कितनी सावधानी मंडी में? सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम जो अपनी तरफ से कर रहे हैं वो अपने आप ही कर रहे हैं, हम अपने सैनिटाइज की और अपने मास्क की और अपने उस चीज़ की हम अपने आप खुद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है मंडी के अंदर। जैसे कि ये बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ भीड़ का हब है, समझ रहे हो ना जी, इतना बड़ा हब है कि आप सुबह के टाइम आके देखो यहाँ 4 बजे आप पैदल भी निकल सकते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है इनके लिए, ना आड़तियों के लिए, ना रिटेलरों के लिए, ना रेहड़ी पटरी वालों। अब यहाँ इन्होंने चालान काट दिए इन गरीबों के, रेहड़ी पटरी वाले कहाँ से भरेंगे? कितने चालान काटे हैं आज इन्होंने? 4-5 चालान काट गए हैं अभी आगे, 5-5 हज़ार रुपये के। ये 5 हज़ार एक महीने में नहीं कमाते, 5 हज़ार कहाँ से भरेंगे? कहीं ना कहीं गरीब गरीब चलाया जा रहा है और क्या हो रहा है, अफसरों की तानाशाही तार चल रही है फरीदाबाद में। कुछ नहीं है जी, ये जो रेडियम वगैरह जो शाम को इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे आके और व्यवस्था फैल जाती है, जाम लग जाता है, इनको कहीं दूसरी जगह पे ले जाने की बात है कि यहाँ से हटे, क्योंकि भीड़ भाड़ है, महामारी का भी टाइम है, तो इनको यहाँ से हटा के कहीं और लेके जाए, और दूसरा ये कि साफ सफाई थोड़ी सी अच्छे से हो जाए, रास्ते जाम ना हो। तो लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है, उसमें मंडी है, काफी भीड़ भाड़ रहती है, क्या कहेंगे सर इनके लोगों क्या? जागरूक करते रहते हैं, आप भी देखो यहाँ भी 90% से ज्यादा लोगों ने मास्क लगा रखा है, इक्का दुक्का कोई नहीं है, उनको अवेयर भी कर देते हैं, मास्क भी दिया जाता है, और इनको पर आड़तियों को कह रखा है कि जो बिना मास्क का आदमी आता है उसको कोई सामान नहीं देना, कोई देर लेने नहीं करना। रेड़ी फड़ी वाले एक तरफ सरकार से उनके रोजगार को बचाने की बात कह रही है, लेकिन वहीं पर मंडी की व्यवस्था को देखकर जॉइंट कमिश्नर ने भी साफ कर दिया है कि अगर इस व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो नगर निगम कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि रेड़ी फड़ी वाले निगम के इस आदेश पर क्या कदम उठाते हैं। पंजाब के सीटीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।